हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्यों जवान लोगों को आजकल हार्ट अटैक आने की समस्या हो रही है? क्यों फिट और जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है? क्यों यह यंग एज के ग्रुप को ज़्यादा हो रही है आजकल देखने में आ रहा है? दोस्तों, इसमें 10-20% ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम रहती है। वह जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, तो भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक पर्सन जिम से लौट रहा था और सीढ़ी उतरते समय उसको हार्ट अटैक आ गया और वह ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, यह क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है कि जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, हार्ट डिजीजेस हो रही है, और यंग एज के ग्रुप को, यंग एज के पर्संस को क्यों हो रही है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों से हार्ट अटैक की समस्या होती है और हम कैसे उस समस्या से बच सकते हैं, कैसे हार्ट डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, क्या क्या वो टेस्ट करा सकते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि कोई हार्ट डिजीज़ होने वाली है या नहीं। आज हम कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं। अगर उनमें अल्टरेशन आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ होने वाली। आजकल जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हेल्दी पर्सन्स भी, फिट पर्सन्स भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक के कारणों की हम बात करते हैं तो कारणों के लिए दोस्तों एक वीडियो में बना चुका हूं कि किन किन मेजर कॉजेज़ के कारण हार्ट अटैक की समस्या होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। फिर भी एक मैं बता देता हूं मोटे तौर पे कि दोस्तों, स्मोकिंग एक मेन कारण होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यंग एज के जो पर्सन्स रहते हैं उनको अगर हार्ट अटैक की समस्या रहती है तो उसके पीछे का मेजर कारण होता है दोस्तों स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति भले ही जिम जा रहा है, भले ही वह फिट है, दुबला पतला है, वह देखने में लग रहा है कि उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी, कोई हार्ट बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर वह मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, या फिर वह डिप्रेशन में है, तो दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हार्ट डिजीज़ हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए। अगर वो काफ़ी लंबे टाइम से डिप्रेशन में, भले ही जिम जा रहा है, भले ही वह देखने में लग रहा है कि इसको कोई भी समस्या नहीं होगी, वह हंस रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, नॉर्मली आपसे बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह डिप्रेशन में है, तो यह भी एक मेजर कारण हो सकता है उसको हार्ट अटैक की समस्या होने में। दूसरी कंडीशन आती है सेडेंट्री हैबिट। अगर आप बहुत आलस्यमय जीवन जीते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसी समस्या हो सकती है। तीसरा आता है आपकी पीढ़ी में अगर ऐसा हो रहा है, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर चली आ रही है हार्ट अटैक की समस्या या हार्ट डिजीज़ में, तो हो रहा है। आप मोटे हैं, ओबेज है, तो हार्ट डिजीजेस हो सकती है, या फिर आप एल्कोहलिक है तो भी हार्ट डिजीजेस हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे हम पहले से ही पता लगा सके कि हमें कोई हार्ट डिजीज़ हो रही है या नहीं, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ होने वाली है, या फिर नॉर्मली भी हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे जो सभी टेस्ट है वह नॉर्मल है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आज कुछ हम ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट डिजीज़ को डिटेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, या फिर आप नॉर्मली भी इन ब्लड टेस्ट को करवा सकते हैं, नॉर्मली भी पता करने के लिए कि कोई अल्टरेशन तो नहीं आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में जो कि हार्ट डिजीज़ को या फिर हार्ट अटैक की जो समस्या रहती है उसको पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। वह टेस्ट अगर हम करवा लें, नॉर्मली भी करवा सकते हैं, अगर हमें कोई हार्ट डिजीज़ है तो भी हम करवा सकते हैं, अगर हम जिम जाते हैं तो भी करवा सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो भी करवा सकते हैं, अगर आप फिट है, कोई भी आपको बीमारी नहीं है, तो भी यह टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यह टेस्ट आपको साल में एक बार या हर 6 महीने में, 6 महीने में एक बार करवा लेना चाहिए। नॉर्मली भी करवा सकते हैं, कोई हेल्दी पर्सन भी करवा सकता है। कौन कौन से और टेस्ट है, तो दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट आते हैं जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है LFT। LFT का मतलब होता है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। अब इसमें आपके लीवर के जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं वह सब इस टेस्ट में आ जाते हैं। SGOT, SGPT, आपका बिलीरुबिन और भी दूसरी चीज़ें इसमें आ जाती है। मैं पिक्चर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो टेस्ट आता है RFT, इसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, KFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों आपकी जो किडनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वह इसमें आ जाती है। इसमें ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, जो आपका क्रिएटिनिन लेवल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वह आ जाती है। इसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो यह सब चीज़ें जो फ़ोटो में दिख रही है आपको, यह सब चीज़ें KFT में, किडनी फंक्शन टेस्ट में आ जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में दोस्तों आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और भी दो तीन चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि यह कोई सी चीज़, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ले सकते हैं जिससे कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, हीमोसिस्टाइन, यह भी एक ब्लड टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों आपके एक केमिकल होता है हीमोसिस्टाइन नाम का, जो कि दोस्तों विटामिन B12 और विटामिन B6 को तोड़ने में काम आता है और जो कि बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में होता है। और अगर दोस्तों यह भी बॉडी में बढ़ने लगता है तो आपको कोई या तो विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है या फिर दोस्तों कोई हार्ट डिसीज़ हो सकती है अगर हीमोसिस्टाइन लेवल आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो। नेक्स्ट टेस्ट आता है दोस्तों CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। दोस्तों सी रिएक्टिव प्रोटीन का अभी कोविड में बहुत ज़्यादा चलन हुआ था, इसका टेस्ट कोविड में बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों यह बॉडी में हर छोटे से छोटे इन्फ्लामेशन को बता देता है। अगर बॉडी में कहीं भी छोटा सा हल्का सा भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, शोथ हो रहा है, तो दोस्तों सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी बीमारी के कारण, किसी भी कंडीशन के कारण क्यों ना हो। तो दोस्तों सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आप करवा सकते हैं इस टेस्ट में। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों HbA1c, यह जो टेस्ट है दोस्तों यह आपकी ब्लड शुगर को बताता है। आप नॉर्मली रेंडम ब्लड शुगर भी करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो HbA1c है यह 2 से 3 महीने की एक एवरेज रेंज आपकी शुगर की बताता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आपकी शुगर कितनी रेंज में चली आ रही है 2 से 3 महीने तक। नॉर्मली आप शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो आपको तुरंत का पता चलता है कि अभी इतनी आ रही है, लेकिन दोस्तों HbA1c में आपको 2 से 3 महीने तक या इससे ज़्यादा भी पता चल सकता है कि हमारी 2 से 3 महीने तक कितनी शुगर हमारी बढ़ी है, कितनी कम हुई है और कितनी रेंज में चल रही है, तो इससे यह पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ECG। आप अपना ECG भी जरूर करवाएं। ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह दोस्तों आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताता है, आपके हार्ट की रिदम को बताता है कि आपका हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, रिदम से धड़क रहा है, और जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है हार्ट की, कंडक्टिविटी होती है, वह सही से चल रही है या नहीं, तो उसको भी यह बताता है। तो दोस्तों आपको साल में एक बार या 6 महीने में एक बार यह सभी टेस्ट करवाने होंगे, जिससे कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको कोई हार्ट डिसीज़ हो रही है या नहीं, या फिर होने वाली या नहीं, आप पहले से भी अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हमें कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, अगर यह टेस्ट नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल रेंजेस में आते हैं तो। तो दोस्तों यह जो कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई, कुछ ब्लड टेस्ट थे जो कि मैंने बताए, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप अपने आप को फिट मानते हैं कि मैं तो फिट हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी अंदर ही अंदर आपको हो सकता है कोई समस्या बन रही हो, आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो रहा हो, आपके इंटरनल आर्टरीज़ में फैट जम रहा हो, तो दोस्तों यह टेस्ट आपको ज़रूर करवाने चाहिए, जिससे कि आपको पहले से ही पता हो सके कि मुझे यह समस्या होने वाली है और उसका सही समय पर इलाज आप करवा सके। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बात करेंगे, डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर बने ही रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।